और नंदन ने भारत में रहना स्वीकार किया, इसलिए हमारे पास पिनेकल सॉफ्टवेयर आया जिसके नाते बैंकिंग हमने ऑनलाइन की। नंदन इस देश में रहे इसलिए हमारे पास आधार कार्ड आया। नंदन इस देश में रहे इसलिए हमने यूपीआई बनाया। अगर उन्होंने भी सुंदर पिचाई की तरह अमेरिका में करियर ढूंढ लिया होता तो आज भी हम दुनिया से यूपीआई मांग रहे होते। पर हमारे लिए क्लासरूम का विषय कौन है? सुंदर पिचाई, नॉट नंदन निलकनी। जबकि होना कौन चाहिए? नंदन। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम शिवनादर की बात नहीं करते जिन्होंने भारतवर्ष को कंप्यूटर की क्रांति का जनक बनाया बने और जिन्होंने भारतवर्ष को कंप्यूटर एक पूरा डिजिटल राष्ट्र बनाने की दिशा में पहला कदम रखा। शिवनादर की बात नहीं होती, बिलगेट्स की बात रोज होती रहती है। यह हमारा कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। मेरा ऐसा मानना है कि हम भारतीय सपूतों के बारे में बातें करें। मैं ये नहीं बोलता हूं कि विदेशियों की बातें ना करें, उनकी करनी चाहिए। मैं भी कर रहा हूं तब से बैठ करके, वैजर भाईजान की बात करूं, अर्मेनिया की बात कर रहा हूं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, लेकिन साथ में मेरे सपूतों की बातें भी होनी चाहिए। पर हम एपीजे और दो चार लोगों को अगर नाम निकाल दें तो हमारे सपूतों की बातें हमारे संतानों तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए हमारे संतानों को भारत में करियर नहीं विदेशों में अपना करियर देखता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसके ऊपर चिंतन करना हमारा अगला धर्म, अगला कर्तव्य है। मेक इन इंडिया को कैसे सफल बनाएं, ये हमारे अध्यापकों की जिम्मेदारी है।